नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जोशीमठ में आई आपदा के बाद से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जोशीमठ को लेकर बयान दिया है। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि जोशीमठ में रहने वाले लोगों को अपने घरों में सेफ्टी टैंक बनाने थे, लेकिन उसके लिए कोई भी ड्रेनेज सिस्टम उनके द्वारा नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से पानी अपना जगह लेता है और जहां पर बाहर निकलता है वहां इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। साथ ही सतपाल महाराज ने यह भी कहा है कि चारधाम यात्रा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और हम चाहते हैं कि ओली में विंटर स्कीम भी कराई जाए, जिस पर तैयारी पूरे तरीके से की जा रही है। सड़कों में दरार आई है और थोड़ा सा लैंड स्लाइडिंग हुई है, लैंड हैज बीन संक, तो उसको देखते हुए उसमें उसकी मरम्मत की जाएगी। और निश्चित रूप में मैं जब जोशीमठ गया था तो मैंने देखा था कि लोगों ने अपने घरों के नीचे सेफ्टी टैंक्स बना दिए हैं और उसके अंदर कोई भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि जब कोई सोते फूटते हैं या कोई जिस प्रकार का प्रेशर पड़ता है तो उससे पानी जो है मट्टी को लेकर के निकलता है और वहां पर काफी कैविटी हो जाती है। उसी कैविटी के जरिए थोड़ा सा जोशीमठ जो है वो धसा है और लोगों ने वहां की जो भविष्यवाणी थी उसको भी जोड़ते हुए ये कह दिया कि ये सीधे पाताल लोक में चले गया है। प्रेस क्लब दिनेशपुर में द्वारा बड़े ही धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ बता दें कि खुदरीराम बोस स्टेडियम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस मनाया गया है। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र विधायक अरविंद पांडे और वरिष्ठ अतिथि बता दें कि बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार और नगर पंचायत चेयरमैन सीमा सरकार के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्प अर्पित कर इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस दौरान क्षेत्र विधायक ने कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नीतियों को और उनके पराक्रम के बारे में हिंदुस्तान में सैनिकों को प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए कई कार्य किया जा रहे हैं और इस दौरान पैरा बैडमिंटन ओलंपिक मेडल विजेता मनोज सरकार ने कहा है कि हमें सरकार से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके जैसा हर घर में देशभक्त पैदा होना चाहिए। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ दिनेशपुर प्रेस क्लब को, जिन्होंने प्रथम बार दिनेशपुर में आयोजन किया है और खास करके हमारे सैनिकों को आपने यहाँ पर आमंत्रित किया। जो आपने प्रश्न किया है, ये प्रथम बार जो है देश का जो सेनानी है, जो प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिला, मोदी जी ने इनको स्थान दिया है भारत का सर्वोच्च स्थान पर। मैं बधाई देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, इन आज़ादी के दीवानों ने जो कुछ किया, आज हम वजूद हमारा मौजूद है वो सिर्फ इनकी वजह से है। मैं बधाई देना चाहूंगा आप सभी को इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में। कृपया मित्र जानते हो कि हम जब घर बनाते हैं तो पहले मंजिल जाने के लिए हमें सीढ़ी बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी जो संकल्प थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे हम आगे चल रहे हैं। थोड़ा स्लो है लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी गतिशील होंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ के हम लोग उस मुकाम पे पहुंचेंगे जहां पर उन्होंने सोच रखा था। आप देखिए ना, प्रेस क्लब की तरफ से जो आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है उनके जयंती के रूप में, जो कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और मैं यही कहूँगा कि ये भी एक उसका एक एग्जाम्पल है कि हम लोग उस अग्रसर हो रखे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। विगत 30 दिसंबर को नॉर्सन मंगलोर में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के सामने फरिश्ते बनकर आए दो युवकों ने उत्तराखंड डीजीपी 26 जनवरी को सम्मानित करेंगे। दरअसल बता दें कि दोनों ने घायल ऋषभ पंत को गाड़ी से बाहर निकालने की मदद की और गाड़ी से दूर खींचकर डिवाइडर पर ले गए। यहाँ तक कि बता दें कि गंभीर अवस्था में घायल को बिना देरी किए सबसे पहले मदद के लिए दोनों फरिश्तों ने इंसानियत का फर्ज अदा किया है। दोनों युवक रंजन और निशु उत्तर प्रदेश मुजफ्फरपुर जिले के बच्छा बस्ती परकाजी के रहने वाले हैं और मंगलौर क्षेत्र में बता दें कि इन्होंने स्थित शुगर मिल में काम करते हैं। रोजाना की तरह सुबह तड़के बाइक में सवार होकर मंगलौर आ रहे थे, तभी उनके सामने ही कार का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें दोनों ने हिम्मत दिखाते हुए घायल को मदद की और साथ ही सबसे पहले घायल ऋषभ पंत को दोनों को अपना मददगार बताया था और उन्होंने देहरादून अस्पताल बुलाकर उनका शुक्रिया भी अदा किया। और साथ ही मंगलौर पुलिस ने सबसे पहले दोनों पुलिस युवकों को मदद की और साथ ही पहल करने को लेकर इसकी पुष्टि की है। मंगलौर कोतवाली मनोज मेनवाल ने कहा है कि सर्दी से
ठिठुर रहे दोनों युवकों को अपनी जैकेट पहनाई गई और दोनों युवकों को साहसी कार्य देखते हुए उत्तराखंड डीजीपी गणतंत्र दिवस पर सम्मानित करेंगे। 30 दिसंबर 2022 की सुबह एक सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें एक मर्सिडीज कार के पलट जाने से आग लग जाने की एक सूचना प्राप्त हुई थी। तो इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा दो टीमें बनाई गई। एक टीम के रूप में मैं अस्पताल में पहुंचा तो वहाँ जो चोटिल को ला के दाखिल किया तो पता लगा कि ऋषभ पंत है जो इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर हैं। इनको जो अस्पताल में लाने वाले दो लड़के थे निशु और रजत, दोनों बुच्चा बस्ती थाना पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। और बता दें कि दोनों युवकों को डीजीपी सम्मानित करेंगे और ऋषभ पंत की इन दोनों ने मदद की थी। और बता दें कि जिस तरीके से ऋषभ पंत दुर्घटना में घायल हुए थे, जिस तरीके से उन्हें तमाम चोटें आई थी, इन दोनों युवकों ने हिम्मत दिखाते हुए दोनों ने ऋषभ पंत को अस्पताल ले गए और इस दौरान जिस तरीके से इन्होंने ये साहस दिखाया है, ये काफ़ी सराहनीय है, जिसको लेकर इन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। बता दें कि इस दौरान डीजीपी इन दोनों को सम्मानित करेंगे, जिसको लेकर लोगों में एक अलग खुशी देखने को मिल रही है। और बता दें कि ये दोनों युवक जो है यूपी के रहने वाले हैं और इन दोनों युवक जो है बता दें कि ये वहाँ पर नौकरी करते हैं मंगलौर में। और इस दौरान जिस तरीके से ऋषभ पंत दुर्घटना का शिकार हुए थे, ये दोनों युवक वहीं मौजूद थे और इन दोनों ने बड़ा ही साहस के साथ उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। केचुआ तहसील के कानूनगो को विजिलेंस की टीम ने 5,000 का रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दरअसल हल्द्वानी से पहुंची टीम ने आरोपी कानूनगो धनेश कुमार को गिरफ्तार किया है। यहां बता दें कि पैमाइश के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही थी, जिसके बाद जिला उधम सिंह ने शहर केचुआ में SP विजिलेंस प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देशन में और पुलिस उपाध्यक्ष विजिलेंस दीपशिखा अग्रवाल के पर्यवेक्षण में विजिलेंस टीम द्वारा मनोहर सिंह दसौनी निरीक्षक के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षण कानूनगो धीरेंद्र कुमार शर्मा तहसील किच्छा को शिकायत की और इस दौरान शिकायतकर्ता मदन सिंह नेगी ग्राम देवरिया तहसील किच्छा की कृषि भूमि के नाप कराने की एवज में 5,000 की रिश्वत लेते हुए तहसील किच्छा में इन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोपाल सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। गोपाल, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है जहां पर पैमाइश के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही थी और 5,000 की रिश्वत लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, पूरा मामला क्या कुछ है और कैसे रिश्वत मांगी जा रही थी, विस्तार से बताएं। ये किस्सा में कानून वो है, काफी लंबे समय से इनकी शिकायतें चल रही थी कि ये अपने कार्य को ठीक से नहीं कर रहे हैं और अंडर टेबल के लिए कहते हैं और जब अंडर टेबल देते हैं तभी ये कार्य करते हैं लड़के। तो हम ये काफी टाइम से इन्होंने पहले जो पीड़ित हैं उन्होंने 9,000 रुपये का अपना जो यहाँ शुल्क है ये तहसील में उसकी रसीद कटाई हुई थी लास्ट ईयर अप्रैल में। तो जब से इनको घुमाया जा रहा था अभी आओ बाद में आओ यूं करके, तो फिर ये काफी परेशान हो गए थे। तो ये जनवरी में बृहस्पतिवार को इन्होंने विजिलेंस को फोन किया और विजिलेंस को फोन करके अपनी शिकायत दर्ज कराई। विजिलेंस द्वारा जांच उठाया गया और इनको कल देर शाम 7 बजे रिश्वत लेते हुए जो इन्होंने ऑफिस में नहीं लिया था वो घर पर बुला के रिश्वत ली थी, अंडर टेबल लिया था, तो उसके विजिलेंस ने अपने जाल से इनको फंसा गया और उसके बाद गिरफ्तारी करी गई इनकी और देर रात इनको शिक्षा तहसील से हल्द्वानी लाया गया, फिर यहाँ आज इनकी पेशी की जा रही है हल्द्वानी। चलिए गोपाल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और किच्छा का ये मामला जहां पर बता दें कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस दौरान बता दें कि पैमाइश के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही थी और जिसके बाद से प्रशासन ने इस मामले को सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना ये होगा कि इस तरीके के मामले पर कब तक प्रशासन और पुलिस रोक लगा पाती है।
वहीं पौड़ी जिले में पुलिस ने दो इनामी अपराधियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। इनमें से एक अपराधी तमिलनाडु के, दूसरे आरोपी बिहार के गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल फरार चल रहे इनामी अभियुक्तों की धरपकड़ को लेकर विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें संतोष पैथवाल के नेतृत्व में श्रीनगर पुलिस टीम ने जहां करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अभियुक्त को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। दरअसल अरुण राज चरलिया नाम का ये शातिर अभियुक्त अब तक श्रीनगर, बता दें कि ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग समेत प्रदेश के अन्य विभिन्न हिस्सों में भी लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाता रहा है और करोड़ों रुपए की ठगी करने के बाद अभियुक्त अपना स्थान लगातार बदलता रहा है। वहीं ठगी के शिकार हुए लोग ने जब अभियुक्त के विरुद्ध मामला पंजीकृत करवाया, इसके बाद से बीते एक साल से पुलिस ये जो अभियुक्त है ये फरार चल रहा था, जिसके बाद से पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी कर ली है। और इस दौरान बता दें कि पुलिस ने अभियुक्त को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस के समक्ष करोड़ों रुपए के ठगी करने की बात स्वीकार की गई है। लगातार हमारा जो है इनामी अपराधियों के खिलाफ अभियान चालू है और अब तक हमने 8 इनामी अपराधी जो है वो गिरफ्तार किए हैं। अभी कल ही जो है हमने बिहार से और तमिलनाडु से हमारे 2 जो इनामी अपराधी हैं उन्हें भी हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है। और इसके अलावा वांछित अपराधियों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी है और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो आदतन अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट के तहत भी हमने मुकदमे पंजीकृत किए हैं, गुंडा में भी कार्रवाई की है और लोगों को जिलाबदर किया है। उत्तरकाशी के ऋषिराम महाविद्यालय में घूमता हुआ तेंदुआ देखा गया है। दरअसल पहाड़ों से उत्तर रहे ये जंगली जानवर अक्सर उत्तरकाशी में निचली क्षेत्रों में देखने शुरू हो गए हैं। तो वहीं पहाड़ों में जिस तरह से बर्फबारी का दौर लगातार देखने को मिल रहा है, इसके बाद से उत्तरकाशी के मुख्यालय में नजदीकी क्षेत्रों में अब जंगली जानवर घूमते हुए नजर आते हैं। उत्तरकाशी के ऋषिराम महाविद्यालय के प्रांगण में जिस तरह से CCTV कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई है, यह वीडियो ने फॉरेंसिक विभाग पर प्रश्न चिन्ह करती हुई नजर आ रही है। वही पुलिसकर्मी सहित सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करती नजर आ रही है, जबकि बता दें कि फॉरेंसिक विभाग सिर्फ जंगलों में ही गश्त मारती रहती है, मगर मुख्यालय के नजदीक कोई भी पूछने को तैयार नहीं होता है। लगातार तेंदुआ और भालू के आतंक से लोगों में खौफ का मंजर देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुमित कुमार हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से जुड़ गए हैं। सुमित, जिस तरीके से अब लोगों में तेंदुए का खौफ देखने को मिल रहा है, तेंदुआ एक महाविद्यालय के सामने घूमता हुआ नजर आया है, लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कुछ कहना है उनका? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही उत्तरकाशी के जनपद में ये महाविद्यालय ऋषिराम विद्यालय में जैसे ये रात के समय पर CCTV कैमरे के निगरानी में यहाँ पर एक तेंदुआ दिखा है, जिसमें यहाँ पर जो लोग है, यहाँ के जो कर्मचारी है उनके बीच में हड़कंप का माहौल जरूर यहाँ पर दिखा है। और वही यहाँ पर सूचना तुरंत यहाँ पर वन विभाग और तमाम दिया गया था और ये रात के समय पर ये तेंदुआ पहाड़ी से नीचे उतरा और यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये कैसे कहाँ से ये तेंदुआ यहाँ पर आया और स्कूल के गेट पे ये CCTV कैमरे में दिखा गया। तो इससे सूचना यहाँ पर वन विभाग को दी गई है, क्योंकि ये भी बात हो सकती है कि पहाड़ियों में बर्फबारी हो रही है और जो जानवर हैं या जंगली जानवर है थोड़ा निकली और बड़े हुए हैं। जी सुमित, जिस तरीके से पहाड़ों में लगातार बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है, मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता इसको लेकर फॉरेंसिक विभाग को एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, ये लाजमी है कि वहाँ के जो जानवर है वे मैदानी इलाके की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे। जी मैं आपको बता दूं कि जैसे उत्तरकाशी का जो क्षेत्र काफी बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर जो जंगल है वो काफी नजदीकी है और गांव भी काफी जंगलों के बीच में है, तो जैसे ही उछले इलाकों में बर्फबारी हो जाती है तो जैसे ही ये तेंदुआ जैसे कोई जानवर भी है तो ऐसी घटनाएं उत्तरकाशी में काफी देखने को मिलती है। और ये जिला मुख्यालय की स्कूल में जैसे ये दिखा है रात के समय तो ये CCTV कैमरे में ये हुआ है, तो हड़कंप का माहौल जरूर है और यहाँ पर उत्तरकाशी वन विभाग अधिकारियों यहाँ पर साफ ब्रिगेड और यहाँ पर जो बस है जो भी फॉरेस्ट टीम को है यहाँ पर अलग मोड़ पर जरूर रख लिया गया।
सुमित, जिस तरीके से ये तेंदुआ देखने को मिला है और कहा यह भी जाता है कि आए दिन यहाँ पर तेंदुआ और भालू जैसे जानवर देखने को मिलते हैं, कितना खौफ है लोगों में, क्योंकि ये कभी भी किसी भी इंसान को, बच्चे को, जानवर को अपना शिकार बना सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे कि उत्तरकाशी में ऐसे कई दूर दराज से गांव है और यहाँ पर जो घटनाएं ज्यादा दिखती है वो भालू की और तेंदुए की घटनाएं यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं तेंदुआ यहाँ पर ज्यादा मात्राएं में दिख रहे हैं और जैसे भालू की समस्या भी यहाँ पर, जब यहाँ के स्थानीय लोग घास के लिए जाते हैं जंगल में तो उनका एक डर जो है, सबसे काफी जो उनका डर होता है वो भालू के और तेंदुए के लिए उनका साफ तौर पर कई घटनाएं यहाँ पर दिखती है। तो वन विभाग को यहाँ पर सूचित भी किया है और वन विभाग यहाँ पर कार्य भी कर रहा है। तो अब जानवर है, जानवर का कोई रास्ता नहीं है जहाँ इसे भी वो कैसे घुस सकता है। तो यहाँ पर पूरा जो वन विभाग है वो काफी अलग मोड़ पर जरूर उन्हें दिया गया है। जी बिल्कुल सुमित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए, तस्वीर उत्तरकाशी की है जहाँ पर एक तेंदुआ महाविद्यालय के सामने घूमता हुआ देखा गया है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा मामला कैद हो गया है, लेकिन यहाँ पर लोगों में एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ये तेंदुआ दिखा है सड़क पे और जिस तरीके से आए दिन जंगली जानवर जो है वे पहाड़ों से मैदानी इलाके की तरफ रुख करते हुए नजर आते हैं, लोगों में एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है। बहराइच में पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा द्वारा पुलिस लाइन बहराइच में आगामी गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड की रिहर्सल का निरीक्षण किया गया है और तमाम तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान परेड निकाली गई है और यातायात से संबंध स्पष्ट बता दें कि शपथ भी दिलाई गई है। रिहर्सल में पुलिस अधीक्षक की गाड़ी को परेड ने सलामी दी है। वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा रिहर्सल में झंडारोहण कर सैल्यूट भी किया गया है और इस दौरान टोली और दस्तों में शामिल पुलिसकर्मी द्वारा अपना कौशल दिखाया गया है। झांसी में रामचरितमानस पर गलत टिप्पणी करने पर हिंदू संगठनों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज कराने और साथ ही कार्रवाई की मांग की है। इस क्रम में राष्ट्रीय भक्त संगठन ने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की अर्थी निकालकर विरोध प्रकट कर कार्रवाई की मांग की है। मंगलवार को राष्ट्रीय भक्त संगठन के केंद्र अंचल अजड़िया के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता इसलाइट चौराहे पहुंचे और इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य की अर्थी निकालकर पुतला फूंकते नजर आए हैं। और अंचल ने कहा है कि समाजवादी पार्टी तत्काल ऐसे जनभावनाओं को भड़काने वाले और साथ ही रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करने वाले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निष्कासित किया जाए। साथ ही प्रशासन ने इस पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं हरदोई जिले में श्याम मित्र मंडल के बता दें कि नवे वर्ष को वर्षा उत्सव को लेकर आयोजित किया गया है, जहां बता दें कि इस दौरान संगीतन में खाटू श्याम बाबा के सप्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्र ने अपने भजनों से हजारों लोगों की भीड़ को झूमते हुए नजर आए हैं और अपने भजनों से समा बांधते हुए नजर आया। तस्वीर में देखिए किस तरीके से खाटू श्याम में ज़बरदस्त तरीके से यहां भजन किया जा रहा है और जिसको लेकर यहां बता दें कि नरवे वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था, जहाँ पर खाटू श्याम बाबा के प्रसिद्ध जो भजने हैं उसको गाया गया और इस दौरान वहाँ काफ़ी लोगों की संख्या देखने को मिली थी। और बता दें कि वहीं उनको प्रसिद्ध भजन जो राम को लाए हैं गाते समय आसमान में बारिश ने प्रोग्राम में खलल डाल दी और यहाँ अधूरा भजन बंद करना पड़ा और इस दौरान उन्हें स्टेज से जाना पड़ा। बारिश की वजह से प्रोग्राम की अव्यवस्था फैली गई और साथ ही लोग ज़मीन पर गद्दे को अपने सिर पर लगाकर बारिश से बचाव करते हुए नजर आए। हरदोई के सीएस नेहरू डिग्री कॉलेज ग्राउंड पर श्याम मित्र मंडल द्वारा भव्य खाटू श्याम दरबार सजाया गया था। श्याम बाबा की ज्योति के साथ बाबा श्याम को अलौकिक श्रृंगार किया गया था। दिव्य ज्योति वाले पुष्प भी अर्पित किए गए थे। साथ ही बता दें कि श्याम मित्र मंडल द्वारा हरदोई के खाटू श्याम बाबा नवे वार्षिक उत्सव पर खाटू श्याम बाबा के सप्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ने एक से बढ़कर एक श्याम बाबा के भजन गाए, जिसको लेकर लोगों में अलग खुशी
भक्तिमय माहौल देखने को मिला। कैसा कार्यक्रम था आज और ये क्या बारिश का व्यवहार था? यहाँ सीएसएन कॉलेज में आज करैया मित्तल जी का भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। कार्यक्रम पूर्ण भव्य रूप से संचालित हो रहा था कि अचानक बारिश का मौसम हो गया और कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न हो गया। करैया मित्तल जी जो राम को लाए हैं अपना प्रसिद्ध भजन यहाँ पर सुना रहे थे, अचानक बारिश होने के कारण बीच में भजन उनको बंद करना पड़ा। कार्यक्रम में व्यवधान हुआ है, काफ़ी नुकसान भी हो रहा है बारिश के कारण, लेकिन कार्यक्रम में भक्तों का जो है वो लगातार बना हुआ है। की गई है इन बदमाशों के नाम कुशाल चौहान भगवान और साथ ही संतोष शर्मा है। यह बता दें कि ये बदमाश अवैध हथियारों की सप्लाई करते थे और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से अवैध हथियार लाया करते थे, जिसके बाद से कमला नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।